In the following circuit, if the power dissipated by 2 ohm resistor is 32 watt, okay, then the value of the current source Is will be, ये निकालना है हमें. अब आप इसमें देखिए कि the circuit is simplified as, ये 4 ohm है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, parallel में होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 parallel to 4 हो जाए. अब उसके बाद यहाँ पे ये current Is है, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 24 ओम है, ये 24 ओम है और यहाँ पैरेलल में 2 ओम है, ठीक है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो है यहाँ पे 4 पैरेलल टू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 बाई 8, 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ये 6 ओम हो जाएगा, ये करंट Is हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इधर, ये कितना हुआ, ये भी शंट में था, 24 इंटू 24 बाई 48, तो ये 12 ओम, यहाँ पे ये वैल्यू 12 ओम हो गया. उसके बाद यहाँ पे ये 2 ओम हो गया. अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 6 और यहाँ पे ये 2 ओम है, और ये देखिए 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12 18, 6 3 जो 18, 3 4 जो 12, ये दोनों शंट में थे, तो यहाँ पे ये 4 ओम हो गया, ये करंट Is हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू 2 ओम हो गया, ठीक है. यहाँ पे ये करंट I हो गया, तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर विल बी I 2 इज इक्वल टू Is इंटू 4 बाई 4 प्लस 2, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 Is बाय 6, ठीक है. तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 Is बाय 3. अब इसने बोला है कि पावर डिसिपेटेड बाय द 2 ओम रेजिस्टर इज 32 वॉट, तो दैट मींस कि जो आपका पावर इन 2 ओम रेजिस्टर हो जाएगा वो I स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2 Is बाय 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 4 Is स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2, यही हो गया. अब आप इसको सॉल्व करें, Is स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 2, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, तो Is स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, दैट मीन्स Is इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर. तो आपकी जो वैल्यू आ रही है इसमें Is की, वो 6 एम्पियर है. मेन है कि आपको रेजिस्टेंस को जो इसमें दिया हुआ है पैरेलल में सीरीज में, उसको ठीक से इक्वेट करना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ पैरेलल आरएलसी सर्किट गिवन बिलो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट्स IL एंड IC आर 4 टाइम्स ऑफ IR. हमें गिवन क्या है, हमें L की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है. देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ IL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IC इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ IR, ठीक है. तो ये क्योंकि IL एंड जो IC है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज, यानी कि IL प्लस IC इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू IR, ठीक है. देयरफॉर द सर्किट इज वर्किंग अंडर द रेजोनेंस कंडीशन, जो सर्किट है इट इज वर्किंग अंडर रेजोनेंस कंडीशन. तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी फैक्टर है आपका, दिस इज इक्वल टू मॉड IL अपॉन IR इज इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि आपको वैल्यू क्या दिया है इसमें कि IL एंड IC आर 4 टाइम्स ऑफ IR, तो IL की वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ IR बाय IR, यानी कि 4 वैल्यू आ गई. फॉर अ पैरेलल RLC सर्किट क्वालिटी फैक्टर होता है R अंडर रूट C बाय L, तो यानी कि फ्रॉम द गिवन सर्किट आपके पास R की वैल्यू है 5 ओम एंड C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे हो जाएगा R की वैल्यू है 5 ओम और C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड अपॉन L एंड Q की वैल्यू 4 है, तो यानी कि 4 बाय 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 16 बाय 25 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2 8 16, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.125 माइक्रो हेनरी, ठीक है। 25 में आप 8 का डिवाइड करिए, 8 1 जाए 3.125 माइक्रो हेनरी समथिंग। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।